नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। अब वक्त हो चुका है सिटी न्यूज का। बागेश्वर जिले में पोलिंग पार्टियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र की सभी पोलिंग पार्टियां लौट चुकी हैं, जबकि कपकोट विधानसभा क्षेत्र की 43 पोलिंग पार्टियों में से दुरुस्त 15 पार्टियों के लौटने का इंतजार है। देर रात से अब तक पार्टियों को रिसीव करने का काम चलता रहा है। कपकोट विधानसभा की जो 186 पार्टी है, 186, तो उसमें से अभी सारी पार्टीज आ गई हैं, 15 को छोड़ के। 15 पार्टी जो हमारी बहुत दूर दराज की हैं, वो अभी रास्ते में है। मेरे ख्याल से एक आध घंटे में वो भी आ जाएंगे। और अभी रिसीविंग का काम चल रहा है कपकोट विधानसभा की जो पार्टीज़ हैं उनका सामान, और जो विधानसभा बागेश्वर की जो पार्टीज़ हैं वो सब आ चुकी हैं। और अभी हमारा स्ट्रांग रूम भी ऑब्जर्वर महोदय और पूरे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो कैंडिडेट के प्रतिनिधि हैं उनके सामने अभी सील हो चुका है। अभी स्क्रूटनी की कार्रवाई गतिमान है। मामला कानपुर का है, जहां अनियंत्रित ट्रैक्टर चालक ने 2 साइकिल सवार सहित एक छोटे से मासूम छात्र को भी ट्रैक्टर से रौंद दिया। आपको बता दें कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों में गुस्सा देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिसे SDM सहित SP पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। कहाँ रहने वाले? क्या हुआ था, कैसे घटना हुई थी? यहाँ पे स्टेशन हुआ, टायर के नीचे दबा हुआ था। दबा होने के बावजूद जो पुलिस आई, पुलिस आने के बावजूद में घर वाले मौजूद थे, सभी लोग मौजूद थे यहाँ पे। पुलिस वालों ने ये किया कि उठा के मिट्टी, जिसे जानवरों को फेंका जाता है, इस प्रकार से लोडर पर फेंक दिया। जी, फिर क्या आप लोगों ने जाम लगा दिया था? नहीं, जाम लगाया हम लोगों ने, जाम हम लोगों ने नहीं लगाया, पब्लिक जो यहाँ पे आई उन लोगों ने जाम लगा दिया। जी, जाम लगाने के बावजूद भी पुलिस वालों ने हमारी एक भी नहीं सुनी हम लोगों की। जी, पुलिस वाले अपनी मर्जी के अनुसार किए, जो करना था वो उन्होंने अपने हिसाब से किया है, हम लोगों की एक भी नहीं सुनी गई। बच्चे थे, एक मोटरसाइकिल से उसमें एक बच्ची थी, बच्चा था, और एक मोटरसाइकिल साथ चला रहा था, उसकी नजर 1500 इंजर्ड थे। उसका तो दबा गया, काम किया गया, ड्राइवर को स्क्रीन दे दिया गया, उसको लेके जाया गया। राजधानी पटना से सटे विक्रम थाना क्षेत्र में ऑटो पर बैठने के विवाद को लेकर पिछले 6 अप्रैल को दंपत्ति के साथ की गई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मामला और भी गर्मा गया, जब गुरुवार को पति के इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को शव के साथ विक्रम औरंगाबाद मार्ग को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में शिकायत करने के बाद भी विक्रम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर काफी देर तक हंगामा किया। थाना में हमने आगे का डांट दिया, आगे ना तो हमने भाग गए, उसन पीछे का बोला नहीं जब जाने चल गए। इनके साथ आई थे जो पिटाया था? हाँ, इनका साथ आए थे, वो तो उनका रहा, उन्हें मार रही थी जंगल में, यानी इनके साथ। हाँ, हम इनका जो रहा कहा कि चलो बहुत जिस थाना में करके चलो। फिर कहाँ गए? फिर उसके बाद हम घर चल गए, कहने तो मार उड़ के फेंक दिया था, सब गांव के 12 का था, वही सब टांग टूट के मोजाका जाका अगना में धर दिया। तो उसके बाद किसी को नहीं पकड़े, मालिया थाना नहीं लिया, DSP थे या और कहीं नहीं? नहीं, कोई गाड़ियों वाला कोई के कह के ले चलो बाबू, कोई नहीं लिया, ना कोई गाँव का साथ दिया, कोई नहीं साथ दिया। तब यावर मर्दाना के हाथ टाइट के आ 2 फैट बिक्रम में पहले चला दिया, तो हम कहे कि सर छोड़ दिए जाए, हमारे गाँव घर के भाई है, तो वे पर चल जाए भूख प्यास के बेरा, अब तो ये रात भर ऐसी भूख के रह ली। आपको ही मारपीट किया गया था? हाँ सर, देखा ना सर, देखा मर्दाना के वीडियो में अपना ही कर ले लेने सर, मार उर के। अच्छा, वीडियो बना लिया था? हाँ, वीडियो बना ले लेने सर, वो सब मार उर के हमारा स्कूटर पर बैठा है लन, हम पहले मारलन भर पेट पटक उटक के, करो नहीं हमारा ये सब फार उड़ के, तो स्कूटर पर बैठा ले लन हिरवा के पहले, आ पाछे में एगो हाथ घींची तो तना 3 गो स्कूटर पर दे ले। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हुआ आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा। नहाय खाय से शुरू हुआ ये पूजा खरना पहली अर्घ और उसके बाद दूसरे अर्घ के साथ संपन्न हुआ। बिहार का ये पावन पर्व चैती छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से काफी तैयारियां की गई थी। आपकी कैसा रहा था? सर,
सबसे पहले सभी लोगों को जो है छठी मैया का आशीर्वाद मिले, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और ये सभी लोग पटना जिला प्रशासन की पूरी टीम और जो समाज सेवी हैं या एनसीसी कैडेट के लोग हैं, सभी लोगों के सार्थक प्रयास से जो है हम लोगों ने जो छठ पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराया है। और इसके लिए सभी लोग जो है, चाहे वो समाज से जुड़े लोग हैं या फिर एनसीसी कैडेट के लोग हैं और भी बहुत सारे संस्थाएं से जो जुड़े हैं, जिला प्रशासन है, जिला पुलिस है, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जनसत्ता दल गठन के बाद पहली बार पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जनसभा को संबोधित किया। राजा भैया ने कहा कि पिछले 25 सालों में उन्होंने जनता का विश्वास, प्रेम का भरोसा कमाया है, इसी के बूते वो मैदान में उतरे हैं। सांसद का एक विधायक का एक और जहां दायित्व होता है कि क्षेत्र की कमियों, क्षेत्र की समस्याओं को अपने सदन में उठाए, वहीं उसका ये भी दायित्व तो होता है कि वो जनसुलभ हो, ताकि जनता उनसे जब चाहे अपनी समस्याओं को बता सकें और उनका निराकरण करवा सकें, उनका निदान कर सकें। कौशाम्बी लोकसभा की अगर बात की जाए तो जो मौजूदा सांसद हैं वो निर्वाचित होने के बाद जनता के बीच में आए नहीं, और इसके साथ ही साथ अन्य जो प्रत्याशी हैं वो मंच से ही इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि उनको चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उन पर मुकदमा कायम किया है। ये भारत की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। ये इसलिए नहीं है कि एक प्रत्याशी दूसरे को कितनी तेज़ गाली दे सकता है, कितनी ज़्यादा निंदा कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं ये बताइए, और यही बताने के लिए हम लोग जनता के बीच में जाते हैं कि एक और जहां विकास में गति आएगी, वहीं प्रत्याशी सांसद होने के बाद जनसुलभ होंगे और जन समस्याओं का निराकरण करने में तत्पर रहेंगे। दानापुर के पूर्व सैनिकों ने दानापुर में एक संकल्प सभा का आयोजन कर पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को समर्थन देने का फैसला लिया। दानापुर के सगुना मोड़ के पास आयोजित इस संकल्प सभा में रामकृपाल यादव के अलावा बीजेपी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अरुण सौरी, बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष अनामिका सिंह, भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर और तैराक पूर्व सूबेदार मेजर महेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। जौनपुर मछली शहर कोतवाली शहर के कटाहित खासा गांव में अराजक तत्वों ने बीती रात को अंबेडकर प्रतिमा तोड़ दी। शुक्रवार प्रतिमा टूटने की जानकारी होने पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। दलितों ने प्रतिमा तोड़ने के विरोध में मछली शहर बरेपार मार्ग जाम किया। प्रतिमा टूटने की सूचना पाकर नई मूर्ति सहित पहुंचे कोतवाल पर्व कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और प्रतिमा लगाने के साथ जाम समाप्त करवाने का प्रयास किया। का नाम तोड़ के उसको का नाम हो कहीं दूर फेंक दिए थे, पैर साइड में था सर, का नाम ध्वजा कहीं अंतर था। तो गांव के लोग जब गए देखे तो हमारे पास फोन किए तो सर हम भी आए का नाम है, प्रशासन भी आया का नाम है, देखा था का। उसके बाद प्रशासन यहाँ लोग जाम लगा दिए का नाम है जाके, उसके बाद का नाम है, उसके बाद ले आए का नाम है, प्रशासन वाले शांत कराए भाई, उनको आश्वासन दिया गया कि भाई हम का नाम है मूर्ति स्थापित करेंगे, उसके बाद जो आपकी मांगे होगी उसको मैं पूरा करेंगे। तो भाई गाँव के लोग का नाम है संतुष्ट हुए, हम भी संतुष्ट किए गाँव वालों। ये थाना मछली शहर के गांव कटाहित खास की घटना है। वहां पर कुछ अराजक तत्वों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया। इसकी सूचना सुबह पुलिस को प्राप्त हुई, पुलिस गई, पुलिस के पहुंचने से पहले ही लोगों ने वहां पर जाम लगा दिया था। मौके पर सीओ साहब भी पहुंच गए, लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त करा दिया गया है। एक नई मूर्ति लगाई जा रही है, तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई। मुरादाबाद के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घायल को लेकर पहुंचे कटघर पुलिस के होश उस समय उड़ गए जब घायल के परिजनों की भीड़ भी मौके पर पहुंच गई और हंगामा करने लगी। दरअसल थाना कटघर क्षेत्र निवासी सनी दिवाकर को पुलिस संगीन अपराधी मानते हुए एनकाउंटर की स्क्रिप्ट उसकी लिख दी और घटना को अंजाम दिया, लेकिन ये फर्जी एनकाउंटर पुलिस की किरकिरी का पात्र बन गया है। जिसको रोकने का प्रयास किया गया वहाँ पे नहीं रुका, तो
वायरलेस पर सूचना फ्लैश की गई जिस पर उसकी घेराबंदी की गई रामगंगा पुल के पास, उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई जिस पर द्वारी पुलिस के द्वारा जो है वो जवाबी फायरिंग की गई जिसमें उसको एक गोली लगी है और उसके बाद उसको जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर जिला अस्पताल में और हम लोग मौजूद हैं और मौके पर FSL की टीम जो है मौजूद है। सर क्या इसका पुराना भी रिकॉर्ड है कोई? अच्छा सर, तो ये व्यक्ति थाना कटगढ़ का पंजीकृत। अच्छा सर, ये सुबह कचहरी गया था 11 बजे, पूजा वूजा करने के बाद कचहरी चला गया था, वहाँ से इनने तारीख दी। जैसे इनने कचहरी से गाड़ी निकाली तो 3-4 पुलिसकर्मियों ने इसकी बाइक हाथ से रोक ली। तो इनने पूछा कि बाइक के पेपर हैं, तो उन्होंने इनने मना कर दिया। तो इसके कहते हैं गाड़ी में बैठो, ये गाड़ी में जैसे बैठा इसे रामगंगा दोराए वाले थाने पे ले। दुष्कर्म के मामले को छेड़खानी में बदल देने का एक मामला रोहतास के डेही से सामने आया, जिसको लेकर आज दर्जनों ग्रामीणों ने महिला थाना पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों ने बताया कि काराकट थाना के करूप गांव में 27 मार्च को दो लड़कियों के साथ मंचलों ने दुष्कर्म किया था, जिसको लेकर आवेदन दिया गया पर महिला थाने पर रेप के मामले को छेड़खानी के मामले में तब्दील कर केस दर्ज किया गया। इसी को लेकर आज पीड़ित युवतियों के परिजन के अलावा ग्रामीण महिला थाना डेहरी पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मामले में अब बड़े अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। के साथ में रेप किया, बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया लोग, और तब जाकर के अंत में लड़की लोग अपने घर आकर के और अपने माँ बाप को खबर दिया, और उसके बाद में इनके पिता ने आकर थाने में लड़की को खुद आई थाना में और दरखास्त दिया। लेकिन इनके दरखास्त को इनके लड़कियों के मुताबिक कि ये कहने लगी कि हम लोग दरखास्त दिए हैं, लिख करके अपने हकीकत सवाल को लिख कर दिए कि हमारे साथ बलात्कार हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ के महिला जो थाना प्रभारी के माध्यम से हमारे आवेदन को ये रद्द कर दिया गया। लड़का बैठा रह गया, तो लड़का बैठा रहने तो हमको पानी पिया ही बनी जाना, तो ऊपर जाना आई थी हमें के एड़िए डेड़िए बहुत मार रही थी, गाड़ी पर लग लग गया, तो हमें के भागे लगा नहीं जाए, घास बात क्या भागे लग नहीं जाए, तो हमारे हाथ ही जा घास छीने लग लग जाए, तो वह छीने लग लग जाना, तो हमने के गाड़ी दे लगे ना कि गाय का छीने तो असर हमारे जो हाथ हुआ रे, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी दौरे पर सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के हाई स्कूल मैदान पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से NDA के JDU उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। फतेहपुर जिले के जाफरगंज थाना क्षेत्र के खोटीला गांव में मूर्ति कारीगर की 5 दिन पहले हत्या कर दी गई थी। उसका शव मिलने के बाद अब हड़कंप मचा है, जिसका खुलासा करते हुए SP ने बताया कि 5 दिन पूर्व जाफरगंज थाना क्षेत्र के जंगल में मूर्ति कारीगर का शव मिला था, जिसकी हत्या सिर्फ इसीलिए कराई गई कि वो राजेश के यहाँ मूर्ति कारीगर का काम किया करता था। राजेश के यहाँ से काम छोड़ खुद मूर्ति कारीगरी का काम करना उसने शुरू कर दिया, जिससे राजेश का व्यापार ठप पड़ गया और उसने सुपारी किलर को 60,000 रुपए की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। उसके बाद पता चला कि एक डेड बॉडी मिली है लटकी हुई, तो पुलिस वहां गई, पहचान करवाई, तो राकेश पुत्र स्वर्गीय चौधरी खुटीला की निकली वो, ये राजेश कुमार प्रजापति जिसके हम ये मृतक था पहले पेंटिंग की सिखलाई करता था, और बाद में इसने अपना स्वतंत्र रूप से दुकान खोल लिया, जिससे उसकी रोजी रोटी प्रभावित होने लगी। तो उसका छोटा भाई दिनेश ये प्लानिंग किया और राजेश को बताया कि 60,000 रुपये दे के हम इसको मरवा दें। इसी के तहत इन लोगों ने डस्टर गाड़ी में इसका अपहरण किया और अपहरण करने के बाद जाकर इसकी हत्या कर दी। फतेहपुर जिले के थरियाव गांव में अवैध तरीके से स्प्रिंट से बनाई जा रही जानलेवा शराब बनाने वाली 3 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं SP ने खुलासा करते हुए बताया कि ये लोग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्प्रिंट से शराब तैयार कर बेचने का काम किया करते थे। लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के निष्कर्षण और बिक्री पर प्रतिबंध के तहत इंस्पेक्टर थरियाव द्वारा अपने मुखबिर की सूचना पर उदय सराय पुलिया के पास से 3 अभियुक्तों के कब्जे से अभियुक्त हैं मेवालाल, राहुल कुमार, दुर्गेश, इनके पास से 35 पेटी में करीब 1575 पौआ लगभग 284 लीटर अवैध शराब, 1 अदद तमंचा, 5 लीटर स्पिरिट ये बरामद किया गया इनसे, और मेरे द्वारा इंस्पेक्टर को 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया।
14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरादाबाद पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मुरादाबाद भूमि पूजन कार्यक्रम स्थल पर एसपीजी बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड और भारी पुलिस बल डेरा डाले हुए है। कार्यक्रम में 2,00,000 लोगों के आने का अनुमान है। प्रस्तावित माननीय प्रधानमंत्री की रैली है यहाँ मुरादाबाद लोकसभा के लिए, जिसमें 3 लोकसभा आनी है, रामपुर, संभल और मुरादाबाद। उस भूमि का पूजन था आज उस स्थल का, और कितने उल्लास में कार्यकर्ता सब लोग आए हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री की रैली में 2,00,000 का लक्ष्य हमारा है, जिसमें लोग आने वाले हैं। कार्यकर्ता घर घर जाके इनवाइट कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पहुँचेंगे। आज उसका हमारे क्षेत्र के माननीय संगठन मंत्री श्रीमान अजय जी, क्षेत्र के महामंत्री, जिले के दोनों अध्यक्ष और सबके साथ पूरा संगठन लग के, हरिओम शर्मा जी, महेंद्र गुप्ता जी, सब ने मिल के इसका भूमि पूजन किया। मलवा थाने के NH2 के सौरा गांव के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से गेहूं की कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। फसल बचाने में ग्रामीण भी जुटे रहे और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पालघर जिले के वसई तालुका में चोरों ने कई दिनों से आतंक मचा रखा था। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पुलिस ने 45 अलग अलग कंपनी के मोबाइल, 3 लैपटॉप, 3 मोटरसाइकिल और कई घरेलू सामान इनसे बरामद किया है। दी गई सूचना के अनुसार आदेश दिया था उनको, तो उन्होंने जहाँ पर सीसीटीवी का फुटेज है वो चेक किया और जहाँ पर मतलब तांत्रिक विश्लेषण के आधार पर नाला सोपारा से 3 आरोपी को ताबे में लिया था। और तपास करते हुए 20 क्राइम डिटेक्ट हो गए हैं। विरार के 13 है और बाकी नाला सोपारा, वालिव, नवगर, वसई, वहाँ के क्राइम हैं वो डिटेक्ट हो गए हैं। उनके तरफ से 3 मोटर बाइक्स, 2 लैपटॉप, 45 मोबाइल, फ़ोन, टीवी, फैन, मिक्सर, किराना, कॉस्मेटिक साहित्य ऐसा पाउंड किया गया है। रामपुर शहर के अजीतपुर गांव में बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा की एक जनसभा की गई। जनसभा में लोगों ने अपनी चहेती प्रत्याशी जयप्रदा का बड़े कर्मजोशी से फूल मालाओं से स्वागत किया। जयप्रदा ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि आसफ खान ने गांव की महिलाओं के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि परेशानी दूर हो सके। लेकिन गाँव में आप जैसे लोगों को, हमारे महिलाओं को ऐसे कोई काम नहीं किया जो आप लोग खुशहाल में रहे, अपने खुशी खुशी से जीवन गुजारे। लेकिन जरूर आपके पास आजम खान साहब आएगा तो आप उनको बताइए, इतने सालों से आप मंत्री थे लेकिन हमारे लिए, महिलाओं के लिए आपने किया क्या है? क्या आपके पास मंत्री, जब मंत्री थे तो आपके पास कोई एक बार भी आया क्या? आपने बताइए आपके। महाराष्ट्र थाने के कोपरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत रेलवे परिसर के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर रहने वाली एक महिला की 1.5 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया गया। बच्चे की मां ने कोपरी पुलिस स्टेशन में जाकर बच्चे की अपहरण होने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्राहकों को लुभाने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं करने पर कठोर कार्रवाई करने का नियम हाल ही में केंद्र सरकार ने बनाया था, जिसके बाद ग्राहकों को प्रलोभन देने वाले वाक्य उत्पादों पर प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी गई थी। पर इसके बावजूद नामांकित कंपनियां इस नियम के खुलेआम धज्जियां उड़ाती आ रही है। टूथपेस्ट के जो गलत है ऐसे क्लेम वो कॉस्मेटिक्स के डेफिनेशन के तहत नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जो ये कॉस्मेटिक्स में जो अप्रूव हुए हैं उनके टूथपेस्ट के पैक वो रहने से वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। और इसीलिए हमने 4,69,00,000 का इन दोनों कंपनियों का माल जब्त किया है, जिस पे कायदेशीर कार्रवाई आगे की चालू है, हमारे अधिकारी उसमें कार्रवाई ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात? मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक? हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक, अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट सिर्फ ABC News पर।
जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एवी स्टार न्यूज पर। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम। रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। इंसानियत क्यों हो रही है शर्मसार, दोस्त क्यों बनता है अपने ही दोस्त का कातिल, अपने ही रिश्तेदारों से क्यों खौफजदा है बच्चियां, गर्भवती महिला के साथ इसी के रिश्तेदार ने कर दिया गैंगरेप। बड़ी बड़ी घटनाओं के बीच जमीनी हकीकत का कड़वा सच, आखिर ये क्या हो रहा है, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों की ईवीएम सील कर दी गई है। बीएचईएल के सेक्टर 1 स्थित एचआरडी में बनाया गया स्ट्रांग रूम, चुनाव पर्यवेक्षकों और कई दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम सील कर दिया गया। आईटीबीपी को स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। यूपी के रामपुर की शाहबाद तहसील क्षेत्र के गांव में विकास न होने के कारण अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा अब चुनाव बहिष्कार का कारण बन गया है। ग्रामीणों ने पूरे गांव में चुनाव बहिष्कार के बैनर लगा दिए हैं और ग्रामीणों ने पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ये गुलड़िया खुर्द के कुछ लोग आए थे और उन्होंने कहा कि हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे मतदान का जी। तो मैं स्वयं ही वहाँ के संबंधित लेखपाल और अपनी टीम के साथ गया और वहाँ गांव वाले से बात की कि आखिर क्या वजह है, आप लोग क्यों बहिष्कार करना चाहते हैं जी। तो उन लोगों की कुछ वजह थी ऐसी कि जो पहले गांव था ये गुलड़िया खुर्द, ये शाहबाद तहसील में था जी, लेकिन उसके बाद वहाँ रामगंगा के किनारे है वो गांव कट गया, तो इनको किसी दूसरे गांव में इन लोगों को बसाया गया और वो जो क्षेत्र है मिलक में लगता है, मिलक तहसील में जी। तो ये बीच में इन लोगों की जमीनें सब शाहबाद में है और जो बसाए गए हैं ये लोग मिलक में हैं, तो इस वजह से कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम बनती रही कि इन लोगों को योजनाओं का लाभ प्रॉपर नहीं मिल पाया। तो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो में आगरा रोड बनी अखाड़ा, भीड़ में घुसे कुछ लोगों को चोर बताकर जमकर पीटा गया, पिटाई का लाइव वीडियो भी अब वायरल हो गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान गन्ना बकाया भुगतान का मुद्दा तेजी से उछलने का असर दिखने लगा है। लंबे समय से गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर दर दर भटक रहे गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार की ओर से जनपद के केएम शुगर मिल को 33 करोड़ का सॉफ्ट लोन दिया गया। यही नहीं, केएम शुगर मिल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 33 करोड़ का सीसीएल भी हासिल कर लिया है, जिससे शुगर मिल ने जनपद व आसपास के जिलों के किसानों को गन्ना भुगतान का 77 करोड़ रुपए भुगतान करने में सक्षम हो गई है। कंजम्पशन कम है जिसकी वजह से लगातार शुगर मिलों में चीनी का स्टॉक बढ़ रहा था और चीनी के रेट कम होने की वजह से शुगर मिलें पैसा नहीं दे पा। इस चीज़ को ध्यान में देखते हुए शुगर मिल की प्रॉब्लम को समझते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 37 करोड़ रुपए का लोन सेंक्शन किया है। कितना करोड़? 37 करोड़ रुपए का लोन सेंक्शन किया है। मतदान की फोटो खींचकर फेसबुक पर अपलोड करना राजनीतिक दलों के समर्थकों को उस समय महंगा पड़ गया जब जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनके कृत्य को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। दरअसल मतदान के दिन बीजेपी समर्थकों ने वोट डालने के दौरान ईवीएम की फोटो खींचकर फेसबुक पर अपलोड कर दी। इन समर्थकों द्वारा फोटो डाले जाने के बाद कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को भी भेज दिया। देखिए इसमें निर्देश तो पहले से थे कि फ्रिस्किंग होनी है, जो मोबाइल ले जाते हैं उनकी, जो उनकी भी हम, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें कामयाब हो गए कि अंदर वो अपने साथ मोबाइल ले गए और उन्होंने उसकी सेल्फी भी ली है और पोस्ट भी की सोशल मीडिया पे, जो कि हमारी वोटिंग एक सीक्रेट है, सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए, वो उसमें भंग हुई है। इन सब मामलों में मैंने जिला सूचना अधिकारी से कहा है कि जितने मामले मेरे पास आ गए उनमें तो एफआईआर के निर्देश हुए ही हैं, लेकिन जो आगे भी डालता है या जो मुझ तक नहीं आ पाए हैं उनकी भी एक लिस्ट बना के मुझे दें ताकि उनमें भी हम वैधानिक कार्रवाई कर सकें।
कोटा में शुक्रवार को शराबबंदी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा ने संतोषी नगर में पधारकर महिलाओं व पत्रकारों और सभी संगठनों को धन्यवाद दिया, साथ ही अपने विचार बांटे। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामदेवरा को शराब मुक्त करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा का पूजा छाबड़ा ने हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ये कदम उठाया, इससे हमारे द्वारा चलाए जा रहे शराबबंदी आंदोलन को बल मिला है। जीत हुई है वो संतोषी नगर की महिलाओं की जीत हुई है और हमारे शराबबंदी आंदोलन को बल मिला है, और इसके लिए धन्यवाद मैं कुलदीप रांका जी को और निरंजन आर्या जी को करना चाहूंगी, जो कि प्रशासनिक अधिकारी है जिन्होंने मेरी समस्या को समझा और सीएमओ हाउस में मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये आदेश जारी किए। मैं महिला शक्ति को सलूट करना चाहूंगी कि जिन्होंने 11 दिन तक तपस्या की, अपना धरना दिया और केवल सामाजिक बुराई शराब को बंद कराने के लिए। पत्नी की डिलीवरी के बहाने जेल से 15 दिन की अंतरिम जमानत पर निकलकर फरार हुए शातिर अपराधी परविंदर यादव को पूर्वी दिल्ली की लक्ष्मी नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुखबिर की सूचना पर कन्नौज सराय मीरा एक बाग में खड़े संदिग्ध 5 लोगों को पर्दा पिछड़े उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस की तलाशी में कार से मिले 10,15,000 रुपए नकद, पुलिस की पूछताछ में इनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में नकली शराब का जखीरा भी पुलिस ने बरामद किया। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद गोंडा जिले में जमकर उड़ाया जा रहा है आचार संहिता का उल्लंघन, बिना परमिशन के दीवारों पर धड़ल्ले से प्रत्याशियों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, साथ ही गाड़ियों के शीशे में भी प्रत्याशी पार्टी के प्रचार का फ्लैक्स लेकर घूम रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल सिटी न्यूज में इतना ही, नमस्कार।